अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है वो कुछ फैक्टर पर जो है वो मुनहसर होती है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विस विद इन इन कंट्री और रीजन। दोस्तों, इकोनॉमी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डेवलप कंट्री किसको कहते हैं और डेवलपिंग कंट्री किसको कहते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है। डेवलप्ड कंट्री बेहतर है या डेवलपिंग कंट्री जो है वो बेहतर है, इनकी क्या खसूसियात है और उनकी क्या खसूसियात है। आइए हम पहले इकोनॉमी को समझने से पहले इनको समझते हैं, फिर हम इकोनॉमी को जो है वो अच्छी तरह से फिर समझ सकेंगे। डेवलप्ड कंट्री जो है वो इज़ अ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होती है, यानी उनका जो जीडीपी रेशियो है वो हाई होता है और इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाई लेवल डेवलप होती है, उनका जो सर्विस सिस्टम होता है वो डेवलप होता है। क्या पाकिस्तान डेवलप कंट्री है? तो इसका जवाब है नहीं, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 26 करोड़ 30 लाख है और वो अभी डेवलपिंग कंट्री में शामिल है। और डेवलप कंट्री में कौन कौन से ममालिक शामिल है? डेवलप कंट्री में शामिल है जापान, चाइना, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड और इस तरह कई और ममालिक इस डेवलप कंट्री में शामिल है। डेवलप कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियलाइज होती है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होता है, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता है। और जो डेवलपिंग कंट्री होती है जैसे पाकिस्तान, इस ये जो है इंडस्ट्रियलाइज नहीं होते, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम होता है, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, इनकी जो जीडीपी रेशियो होती है वो कम होती है। डेवलपिंग कंट्री की खासियत ये होती है कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो हाई होता है, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, वहाँ की जो हाइयर इनकम होती है पर पर्सन की, और वहाँ पर जो अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें या हम एजुकेशन सेक्टर को देखें या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखें तो वहाँ पर ये सब कुछ हाई होता है और वहाँ के लोग जो है वो भी खुश होते हैं और वहाँ पर जो है बर्थ रेट जो है उनका कम होता है इज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। और जो डेवलप कंट्री होती है उनका बर्थ रेट जो है वो हाई होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लो होती है, पर कैपिटा इनकम जो है उनकी लो होती है और जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो लो होता है और उनकी जो पर पर्सन जो जैसे हम इनकम बोलते हैं वो लो होती है। इकोनॉमी की जो टाइप है जैसे मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशन इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, सब्सटेंसेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इनमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो बड़ा असर रखती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरवीन रखती है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है, डेवलपिंग लाने की कोशिश करता है, यानी डिजिटल सिस्टम लाने की कोशिश करता है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर सके और स्टेबल रहे। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप कंट्री की इकोनॉमी से कंपेयर करें, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है और डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हम समटाइम कॉल इज मार्केट इकोनॉमी उसको कहते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन पर ज़्यादा डिपेंड करती है। डेवलप कंट्री की जो खसूसियात है उनमें से एक ये है कि वो मार्केट में फेयर कंपटीशन चाहता है और दूसरी बात यह है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन भी देना चाहता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी क्या स्टेप लेने चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल भी रख सके और उनको ग्रोथ भी कर सके कंसिस्टेंट, कि पाकिस्तान को ऐसी क्या स्टेप लेने चाहिए कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल भी कर सके और उनको कंसिस्टेंट ग्रोथ भी कर सके। मेरे हिसाब से 10 ऐसे पॉइंट हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन पॉलिसी पर वो अमल करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड कंट्री में शुमार की जाएगी। तो वो 10 स्टेप ये है। पहला ये है कि वो एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करे और स्किल जो लेबर है उनको स्किलफुल बनाए, और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड बनाए, ब्रिज बनाए और एनर्जी को फैसिलिटीज दे ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे मुल्क में आ जाए, और तीसरी बात सपोर्ट फार्मर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी लाए ताकि फार्मर के लिए आसान हो और वो अपनी काश्तकारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। नंबर 4, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी अब इधर जो फार्मर इधर आते हैं तो उनके लिए जो बिजनेस की पॉलिसी है, बिजनेस का जो प्रोसीजर है वो इजी बनाए ताकि वो इजीली इधर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। नंबर 5, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें ताकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ है और बिजनेस सेक्टर है वो इम्प्रूव हो और उनकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। नंबर 6, कंट्रोल करप्शन,
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करप्शन पर ज़्यादा जो है वो फोकस करें, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर मनी जो है वो करप्शन में चला जाता है। वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं होता, वो लोगों के जेब में चला जाता है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करप्शन को कंट्रोल कर सके। ये 6 पॉइंट भी बड़ा अहम है इन 5 पॉइंट के मुकाबले में। नंबर 7, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। अपने जो बिजनेसमैन है, फार्मर है, जो बाहर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, उनको एक न्यू टेक्नोलॉजी दे ताकि वो इसमें इस्तेमाल कर सके और अपने जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सके ताकि बाहर से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान आए। नंबर 8, टैक्स रिफॉर्म। यानी FBR को चाहिए कि वो अपने जो उनकी प्रोसीजर है, उनकी जो पॉलिसी है, उनमें टैक्स रिफॉर्म लाए, अपने टैक्स सिस्टम को आसान बनाए ताकि आम लोग भी उनको समझ सके। नंबर 9, इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करे, हेल्थ में वो न्यू टेक्नोलॉजी को लाए, लोगों को आसानियाँ दे ताकि उनकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त हो। जब उनकी सेहत तंदुरुस्त होगी तो प्रोडक्शन लेवल पाकिस्तान का बढ़ेगा और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन जो है वो उसकी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। नंबर 10, स्टेबल पॉलिसी। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखे। जब वो पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखेंगे तब उनकी जो प्रोडक्शन लेवल है, उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उनकी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल रहेगी। जब वो स्टेबल रहेगी तब वो ग्रोथ भी करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।